अपने शहर और आसपास की खबरें पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को दबाएं। पत्रकारिता की आड़ में कई लोग ऐसे घिनौने काम कर रहे हैं जिस कारण पूरा पत्रकार भाईचारा बदनाम हो रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला पठानकोट के थाना डिवीजन नंबर 2 में, जहां पर एक लड़की ने एक हरीश नाम के युवक पर रेप और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। बता दें कि जिस लड़के पर मामला दर्ज हुआ है वो पिछले एक साल से लड़की के साथ रह रहा था और उसे बहला फुसला कर उससे पैसे ऐंठता रहता था, साथ ही साथ उसको अपनी हफ्स का शिकार बना रहा था। फर्जी पत्रकार बने युवक ने लड़की को शादी का झांसा दे रखा था और जब लड़की को उसकी असलियत का पता चला तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मैनू नहीं पता हरीश महाजन मुंडा खुद प्रेस रिपोर्टर दसदा बट है नहीं और पल्ले कुछ भी नहीं है, सब प्रेस का जो भी है ही सब कुछ झूठ है। एक मेरे घर आंदा एक मैं कहता मैं तेरे मैरिज करानी, उत्तों मैंने ये भी नहीं दसिया मैं मैरिड हाँ, तीन बच्चों का प्यो हाँ। मैं बोलता मैं तेरे मैरिड करानी है, मेरा यूज करता रहा, कल मौके से मैं कहता मैं मैरिड हाँ, मैं तेरे नहीं रह सकता, एक साल तो मेरे क्यों रह रहा ही, कहता मैं अपनी जनानी बच्चे रहना रह भी बार रह जाए, तू मेरी जिंदगी खराब की, मैं चाहनी मैं इंसाफ चाहिए, ये बंदा भी बाहर नहीं रहना चाहिए अपनी वाइफ को अपने बच्चों को। मेरे घर आता ही मेरे भरा मारता ही, इन्हें दो नंबर की रिवॉल्वर रखी हुई है देसी गट्टा, कभी मेरे पापा की कान पट्टी से रखता ही, कभी मेरे ब्रदर की। कितनी एज है तुम्हारी? मेरी 18। हूँ की अपने बयान दर्ज पुलिस को कराया तुमने जे? हाँ जी हो रहे हैं अंदर। अपने गहने भी दिते, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਹਰੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸਰਾਈ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਆਰਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗਾਏ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਿਸ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਾਂ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਰ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਕਲ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ? ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਰੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਟਿਲ ਆਲਸ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੇ ਵਰੁਣ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।